सो हेटे की आज हम बात करने वाले हैं मोटरोला की तरफ से, मोटरोला जो रेवो 2 स्मार्ट जो एंड्रॉयड टीवी के बारे में। यस, इस सीरीज में आपको यहाँ पर यानी टोटल आपको यहाँ पर 6 स्मार्ट एंड्रॉयड जो टीवी देखने के लिए मिलते हैं। यस, उसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पर आपको यानी 15,000 से अगर आप यहाँ पर 50,000 के बीच में कोई भी स्मार्ट टीवी बाय करने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए बनाया है। यस, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में ऑल डिटेलिंग की प्रोवाइड करने वाला हूँ मोटरोला की तरफ से रेवो 2 स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी सीरीज के ऑल टीवी के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आने वाले टीवी की, जो आता है 32 इंच का टीवी। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले साइज मैंने आपको बता दिया कि मोटरोला रेवो 2 में आपको यहाँ पर 32 इंच का पहला वेरिएंट देखने में मिलता है, जहाँ पर आपको 32 इंच का डिस्प्ले साइज पैनल VA टाइप एंड यहाँ पर आपको 250 की पीक ब्राइटनेस एंड यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का हायर फ्रेश रेट सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट्स एंड यहाँ पर आपको MPG, MPEG, M4V एंड यहाँ पर आपको MKV एंड यहाँ पर आपको AVI एंड यहाँ पर आपको FLV जैसी आपको यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट का सपोर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 32 इंच के साइज़ को माइंड में रखते हुए यानी HD रेडी डिस्प्ले यहाँ पर आपको फुल HD नहीं मिलता। यस, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है मोटरोला इस टीवी में। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर आपको स्पीकर की। तो गाइस यहाँ पर आपको 32 इंच वाले टीवी के मॉडल में यहाँ पर आपको 24 वाट के यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ की फिर आपको यानी एक्स्ट्रा साउंड बार अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। यस, परफॉर्मेंस के MediaTek क्वाड कोर प्रोसेसर एंड यहाँ पर आपको इनबिल्ट GPU एंड यहाँ पर आपको माली G31 आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 पर देखने के लिए मिलता है ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट एंड यहाँ पर आपको 1 GB की रैम एंड यहाँ पर आपको 8 GB का स्टोरेज टाइप। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऑल OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सब का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा। रिमोट भी न्यू जनरेशन को अकॉर्डिंग देखने में मिलता है। कनेक्टिविटी फीचर्स, 2 HDMI पोर्ट, 1 USB एंड यहाँ पर आपको 1 3.5 जैक एंड यहाँ पर आपको 1 LNA पोर्ट एंड 1 ऑप्टिकल ये सभी देखने में मिल जाएंगे। 1 ईयर की वारंटी। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। मोटरोला रेवो 32 इंच का आपको प्राइस देखने में मिल जाएगा 14,000 रुपये। यस, 13,999 रुपीज़ इसका प्राइस देखने में मिल जाएगा एंड इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन देखने में मिल जाएगा। इसके साथ बेस्ट साउंड बार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा, तो इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 14 इंच जो फुल HD डिस्प्ले साइज ये टीवी की। यस, अब यहाँ पर 40 एंड यहाँ पर आपको 43 ये दो डिस्प्ले साइज देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको ओनली फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। यस, यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करते हैं 14 इंच की। 14 इंच में यहाँ पर आपको डिस्प्ले थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है 32 से यानी 14 इंच एंड यहाँ पर आपको HD से फुल HD एंड यहाँ पर आपको प्राइस में अपग्रेड करना ही था। यहाँ पर आपको 20,990 रुपये देखने के लिए इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये यहाँ पर अपग्रेड किया गया है एंड यहाँ पर आपको 43 इंच वाले में भी सेम यही आपको चीज़ देखने मिलती है। डिस्प्ले बढ़ा दिया एंड यहाँ पर आपको फुल HD प्रोवाइड कर दिया। उस परचेज की प्राइस 43 इंच वाले की प्राइस। यस, जो मोटरोला रेवो 2 स्मार्ट जो फुल HD जो 43 इंच का प्राइस आपको यहाँ पर 23,990 रुपये देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको प्राइस बढ़ा दिया है, डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन चेंज कर दिया है एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले का साइज चेंज कर दिया है। बस उसके अलावा यहाँ पर आपको सब कुछ सिमिलर देखने लिए मिलता है जो 40 इंच एंड यहाँ पर आपको 43 इंच वाले टीवी में। तो गाइस अब बात करते हैं मोटरोला रेवो 50 इंच QLED अल्ट्रा HD स्मार्ट 4K टीवी के बारे में। यस, यहाँ पर आपको डिस्प्ले की बात रहे सबसे पहले 50 इंच का डिस्प्ले एंड यहाँ पर आपको वो भी अल्ट्रा HD 4K देखने लिए मिलता है। 60 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पैनल VA पैनल देखने लिए मिल जाता है। HDR एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ऑब्वियसली देखने लिए मिल जाता है। साइड के बेजल्स यहाँ पर आपको 55 एंड यहाँ पर आपको 50 इंच वाले दोनों वेरिएंट में यहाँ पर आपको काफ़ी स्मॉल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको गेम इंजन 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलेगा MMC एंड यहाँ पर आपको ऑटो लो लेटेंसी एंड यहाँ पर आपको ऑटो ट्यून X+ टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट 2 कंट्रोल तो यहाँ पर आपको क्रिएट डायनेमिक सीन्स का सपोर्ट देखने के लिए इसमें मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको 400 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिलेगी, जहाँ पर आपको यानी धूप में भी यूज़ करते टाइम इस टीवी में आपको यहाँ पर यानी जो कॉन्टैक्ट कंज्यूम करते टाइम जो आपको यहाँ पर विजिबिलिटी होगी वो काफ़ी बेटर देखने लिए इसमें मिल जाएगी। बैटरी म्यूजिक क्वालिटी लेगा इस यहाँ पर आपको 16 वाट या 60 वाट के यहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर प्रोवाइड किए गए यानी 4 ऊपर 4 नीचे। यस,
इस तरह से यहाँ पर आपको चार चार स्पीकर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपके इंटरनेट मैन को नेक्स्ट लेवल का करने के लिए काफ़ी हैं। एंड यहाँ पर आपको मोटरोला का जो मोटरोला रेवो 2 सीरीज में, तो हमें इसकी बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको मीडियाटेक क्वाड कोर प्रोसेसर एंड यहाँ पर आपको GPU G31MC जो GPU एंड यहाँ पर आपको 2GB की रैम एंड यहाँ पर आपको 16GB स्टोरेज टाइप एंड्रॉयड 11 एंड यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट क्रोम कास्ट इन बिल्ड एंड यहाँ पर आपको गूगल अलेक्सा इन सबका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर आपको इसमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स की, तो मोटरोला के 50 इंच वाले टीवी में यहाँ पर आपको ऑल कनेक्टिविटी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको 32 एंड यहाँ पर आपको 43 एंड यहाँ पर आपको जो 14 इंच वाले टीवी में आपको देखने के मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको 1 LAN एंड यहाँ पर आपको 3 HDMI 2 USB 3.5 जैक एंड यहाँ पर आपको 1 जो ऑप्टिकल एंड यहाँ पर आपको 1 एंटीना पोर्ट, ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे। 1 ईयर की वारंटी देखने के मिल जाएगी आपको इन टीवी पर। प्राइस यहाँ पर आपको 41,990 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ओबियसली प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर आपको मोटरोला रेवो 55 इंच आपको यहाँ पर क्वाड जो अल्ट्रा HD 4K एंड्रॉयड टीवी के बारे में। यस यहाँ पर आपको जैसे कि आपको मालूम है यानी 50 इंच से 55 इंच पर स्विच करते टाइम यहाँ पर आपको ओनली मोटरोला ने 2 स्टेप चेंज किए हैं, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में एंड यहाँ पर आपको पैनल में, जहाँ पर आपको QLED अल्ट्रा HD 4K पैनल देखने के लिए मिल जाता है 55 इंच वाले वेरियंट में। प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, 51,990 रुपये का प्राइस आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। तो ये इसका सीन देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं मोटरोला रेवो 65 इंच अल्ट्रा HD 4K LED स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के बारे में। यहाँ पर आपको डिस्प्ले 65 इंच का अल्ट्रा HD प्लस 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एंड यहाँ पर आपको टीवी डॉल्बी एटमॉस के साथ देखने के लिए मिल जाता है। मोर डेप्थ इन एवरी पिक्चर का सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको साइड के बेजल्स काफ़ी स्मॉल एंड यहाँ पर आपको HDR10 का सपोर्ट एंड यहाँ पर आपको 350 नीट की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। स्पीकर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है। यस यहाँ पर आपको 50 इंच एंड 55 इंच से थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है, जहाँ पर आपको स्पीकर 50 वाट के, यस 50 वाट के स्पीकर देखने मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट, गूगल क्रोमकास्ट एंड यहाँ पर आपको लगता है इन सबका सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए गाइस यहाँ पर आपको मीडियाटेक जो CA53 क्वाड कोर एट एंड यहाँ पर आपको 1.5 GHz की जो ग्राफिक्स एंड यहाँ पर आपको प्रो ग्राफिक्स प्रोसेसर जो 850 GHz की आपको यहाँ पर G52 ग्राफिक्स के आपको यहाँ पर इंजन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। 1.5 GHz की इसकी स्पीड एंड यहाँ पर आपको 2GB की रैम, 32GB का स्टोरेज, एंड्रॉयड 10 एंड यहाँ पर आपको ऑल OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट ओबियसली देखने मिल जाएगा, यूट्यूब, अमेजोन प्राइम सबको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज ये मोटरोला का टीवी है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी पोर्ट 1 LAN पोर्ट, 1 ऑप्टिकल, 3 HDMI, 2 USB, 1 एंटीना एंड यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, DTS का सपोर्ट ओबियसली देखने मिलेगा आप एंड यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी। तो प्राइस की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको 62,990 रुपये इसका प्राइस देखने में मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको मैंने यानी मोटरोला की तरफ से मोटरोला जो रेवो 2 सीरीज में जो आपको यानी 6 TV देखने मिलते हैं ना, उनके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप कि आपका यहाँ पर आपको एक बेटर आइडिया हो गया होगा कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे लिए इनमें से कौन सा बेटर टीवी है। एंड इनके अलावा अगर आपका यहाँ पर और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पर हमें फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हो, वहाँ पर आपका जवाब मैं इमीडिएटली यानी आंसर इमीडिएटली प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वहाँ पर भी अपना यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखने लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें एंड हम यहाँ पर न्यू ऐसे ही जो LED आते हैं उन पर डिटेल वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।